नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रीन लाइन न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। अज्ञात वाहन की चपेट में आने से दो लोगों की मौत, साइकिल से लौट रहे थे घर। मुजफ्फरपुर से मोहम्मद आरिफ अंसारी की रिपोर्ट। जिले में तेज रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज सुबह मनियारी थाना क्षेत्र में एक ट्रक के चपेट में आने से दो लोगों की मौत हो गई। देर रात करजा थाना क्षेत्र के रुपौली में तेज रफ्तार वाहन ने साइकिल सवार दो युवकों को कुचल दिया, जिसमें दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर आक्रोशित ग्रामीणों ने हंगामा शुरू कर दिया। थाना प्रभारी मणिभूषण कुमार तलबल के साथ मौके पर पहुंचे और उग्र लोगों को समझा बुझा कर शांत कराया। मृतक दो व्यक्तियों का शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मृतकों की पहचान कांटी थाना क्षेत्र के माधोपुर मछिया गांव निवासी रणजीत कुमार 18 वर्षीय और दीपक कुमार 17 वर्षीय के रूप में किया गया। घटना की जानकारी मिलने पर मृतक के परिजन SKMCH पहुंचे। शव देखते ही रोने चिल्लाने लगे। आसपास के लोगों ने डांडस बंधाकर शांत कराया। मृतक के परिजन अजय कुमार ने बताया कि दोनों युवक देर रात कर्जा में एक समारोह में शामिल होकर साइकिल से घर लौट रहे थे। इसी दौरान एक तेज रफ्तार वाहन ने पीछे से रौंद दिया। टक्कर इतना जोरदार था कि दोनों युवा मौके पर ही मौत हो गया। दोनों सड़क पर काफी दूर जाकर गिरे। सिर में चोट लगने से दोनों की मौत हो गई। काफी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। घटना के बाद चालक वाहन लेकर फरार हो गया। थाना प्रभारी ने बताया कि परिजनों का बयान अब तक दर्ज नहीं हुआ है। वे लोग SKMCH में हैं, वहां से आकर बयान देने की बात कही है। पुलिस अपने स्तर से कार्रवाई कर रही है। बता दें कि देर रात इस हादसे के बाद सुबह में मनियारी क्षेत्र में कंटेनर ने पिता पुत्र को कुचल दिया, जिसमें दोनों की मौत हो गई। वहीं रामदयालु में भी एक तेज रफ्तार पिकअप वैन ने साइकिल सवार एक मजदूर रमेश कुमार को टक्कर मार दी। उस स्थानीय लोगों ने अस्पताल में भर्ती कराया है। उसकी स्थिति फिलहाल स्थिर बनी हुई है। क्या ये घटना कैसे हुई है? सूचना मिली कि चिल्ड्रन स्कूल के आसपास जो है एक्सीडेंट हुआ है। ये सूचना पाकर हम दल के साथ आए तो देखे कि एक व्यक्ति का डेड बॉडी पड़ा हुआ है। एक व्यक्ति लग रहा था कि जिंदा है, उसको एम्बुलेंस से इलाज हेतु अविलंब भेजे हैं। डेड बॉडी को उठा कर ले जा रहे हैं, नाम पता का सत्यापन किया जा रहा है। बिल्कुल बच सकता था, बिल्कुल हुक में थे वो। अभी रुक जाइए, अभी जब भी थाने को इन्फॉर्म किया जाता था बोलते कभी बोलते ड्राइवर नहीं है, तो कभी प्रशासन नहीं है, कभी स्टाफ नहीं है। बाल संस्कार हॉस्टल पिपरा कला गढ़वा में कक्षा नर्सरी से दसवीं तक छठ पूजा से पहले निःशुल्क एडमिशन कराएं। यहां पर बच्चों को रहने खाने एवं शिक्षा की सर्वोत्तम व्यवस्था उपलब्ध है। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें ग्रीन लाइन न्यूज़।